आज के टाइम पे स्मार्टफोन हमारी लाइफ का एक पार्ट बन चुका है। इसके बिना हम अपनी लाइफ को इमेजिन भी नहीं कर सकते। आज के टाइम पे डेली कोई ना कोई स्मार्टफोन लॉन्च होता रहता है, तो ऐसे में कस्टमर है वो कंफ्यूज हो जाता है कि मुझे कौन सा स्मार्टफोन लेना चाहिए, कौन सा नहीं लेना चाहिए, कौन सा हमारे लिए बेस्ट होगा। तो आज की वीडियो में इसी के बारे में बात करने वाले हैं कि आप किस तरह से एक बेस्ट स्मार्टफोन चूज कर सकते हैं अपने लिए, और स्मार्टफोन को बाय करते टाइम किन किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए जिससे कि आप एक अपने लिए बेटर एंड बेस्ट स्मार्टफोन ले सके। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो किसी भी स्मार्टफोन को लेने से पहले हमें इन चार चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देना है। पहली हमारी परफॉर्मेंस, सेकंड हमारी डिस्प्ले, थर्ड हमारा कैमरा, फोर्थ है स्टोरेज। तो ये जो चार चीज़ें होती है वो हमारे फ़ोन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। इन सबको मिला के हमारा जो पूरा स्मार्टफोन है वो एक अच्छा स्मार्टफोन बनता है। अगर ये सारी चीज़ें अच्छी होंगी तो हमारा स्मार्टफोन भी अच्छा होगा, अगर ये चीज़ें बेकार हैं तो हमारा फ़ोन भी बेकार होगा। तो एक एक करके इन सब के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं परफॉर्मेंस के बारे में। तो किसी भी स्मार्टफोन की परफॉर्मेंस जितनी ज़्यादा अच्छी होगी उसको हम उतने ही एफिशिएंटली आसान तरीके से यूज कर सकते हैं। उसमें हम आसानी से मल्टीटास्किंग वगैरह भी कर सकते हैं बिना किसी हैंग प्रॉब्लम के। तो जो परफॉर्मेंस होती है वो हमारे मेन तीन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। पहली होती है हमारी प्रोसेसर पे, दूसरी होती है हमारी रैम पे, एंड थर्ड होती है हमारी ऑपरेटिंग सिस्टम पे। ये तीन की फैक्टर होते हैं जिसपे हमारे स्मार्टफोन की जो परफॉर्मेंस है वो डिपेंड करती है। अगर ये सारी चीज़ें अच्छी हैं तो हमारी परफॉर्मेंस भी अच्छी होगी। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रोसेसर के बारे में। प्रोसेसर को हम अपने मोबाइल फ़ोन का ब्रेन भी बोल सकते हैं, क्योंकि सारी चीज़ें हम प्रोसेसर के थ्रू ही पॉसिबल हो पाती हैं। बिना प्रोसेसर के हम इमेजिन भी नहीं कर सकते कि हमारा स्मार्टफोन है वो काम करेगा, क्योंकि जो हमारी परफॉर्मेंस होती है वो हमारी कोरिलेटेड होती है हमारी प्रोसेसर से। जितना अच्छा प्रोसेसर होगा उतनी ज़्यादा परफॉर्मेंस होगी, जितना बेकार प्रोसेसर होगा परफॉर्मेंस भी उतनी ही बेकार मिलेगी। अब ये कैसे पता करेंगे कि जो प्रोसेसर है वो हमारे लिए अच्छा है? तो उसके लिए हमें दो चीज़ों पर ध्यान देना है। पहला हमारा नंबर ऑफ कोर्स पे, एंड सेकेंड उसकी क्लॉक स्पीड पे। तो ये दो मेन फैक्टर होते हैं जिससे हमें पता चलता है हमारा प्रोसेसर किस टाइप का है। सबसे पहले आपको देखना है कि नंबर ऑफ कोर्स कितने हैं हमारे प्रोसेसर में। जितने ज़्यादा नंबर ऑफ कोर्स होंगे उतना ही फास्ट हमारा प्रोसेसर काम करेगा। दूसरी होती है क्लॉक स्पीड। क्लॉक स्पीड को हम अपने प्रोसेसर की ऑपरेटिंग स्पीड भी बोल सकते हैं। जितनी फास्ट हमारी क्लॉक स्पीड होगी उतना फास्ट हमारा प्रोसेसर है वो काम करेगा। दूसरी चीज़ आपको चेक करना है कि आप जो भी फ़ोन ले रहे हैं, जो भी स्मार्टफोन ले रहे हैं, उसमें जो प्रोसेसर है वो लेटेस्ट होना चाहिए। सेकंड जो हमारा की फैक्टर होता है वो होता है हमारा रैम। रैम से भी हमारी परफॉर्मेंस पे काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। जितनी अच्छी हमारी रैम होगी उतना ज़्यादा हम अच्छे से काम कर पाएंगे। रैम का बेसिकली यूज होता है जब भी हम एप्लीकेशन को यूज कर रहे होते हैं तो उसकी जो नेसेसरी फाइल होती है एप्लीकेशन को रन करने के लिए वो सारी रैम में स्टोर होती है। उसके बाद ही वो एप्लीकेशन काम करता है। जितनी ज़्यादा रैम होगी उतने ही ज़्यादा नंबर ऑफ एप्लीकेशन हम एक टाइम पे यूज कर पाएंगे, क्योंकि जितनी ज़्यादा रैम होगी तो उतने ज़्यादा एप्लीकेशन हम आसानी से ओपन भी कर पाएंगे। तो रैम भी मार्केट में कई सारी अवेलेबल है, 2GB, 4GB, 6GB, 8GB, 12GB। तो आपको कौन सी चूज करनी है तो इसके बारे में बात करते हैं। तो अगर आपका बेसिक काम है, लाएगा आपको कॉलिंग करनी है, मैसेजिंग वगैरह करनी है, ब्राउजिंग वगैरह करनी है सिंपल, तो ऐसे में आप 2 से 3 GB वाला स्मार्टफोन ले सकते हैं। उसमें आपके ये सिंपल से काम है वो आसानी से हो जाएंगे। नेक्स्ट, अगर आप मल्टीपल एप्लीकेशन को एक बार में यूज करते हैं, मल्टीपल टैब्स ओपन करते हैं अपने ब्राउजर में, एंड छोटे मोटे गेम्स वगैरह भी प्ले करते हैं, तो ऐसे में आप 4 से 6 GB रैम ले सकते हैं। उसमें आपके मल्टीपल ऐप्स वगैरह भी चल जाएंगे, मल्टीपल टैब्स भी ब्राउजर में ओपन कर सकते हैं, एंड जो गेम्स वगैरह हैं उनका भी इंजॉय कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि अगर आप मल्टीटास्किंग करते हैं, हैवी गेम्स खेलते हैं, वीडियो एडिटिंग करते हैं, फोटो एडिटिंग करते हैं, तो ऐसे में आपको 8 से 12 GB रैम की तरफ जा सकते हैं। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि रैम आपको किस टाइप से चूज करनी है। ये डिपेंड करता है कि आपका पर्पस क्या है। बेसिकली जिस पर्पस के लिए आप स्मार्टफोन ले रहे हैं उस हिसाब से आपको रैम चूज करनी है। अगर आप हैवी टास्क वगैरह के लिए ले रहे हैं तो आप ज़्यादा रैम लें, अगर आपको बेसिक चीज़ें कर ली तो आप कम रैम में भी काम चला सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा की फैक्टर होता है परफॉर्मेंस का वो होता है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी परफॉर्मेंस में। तो आज के टाइम में मार्केट में हमें दो टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम देखने को मिल जाते हैं। पहला है एंड्रॉयड, दूसरा है iOS। एंड्रॉयड की सबसे खास बात है कि आपको इस डिफरेंट डिफरेंट आपको मॉडल मिल जाएंगे, डिफरेंट डिफरेंट वेरियंट मिल जाएंगे, और डिफरेंट डिफरेंट प्राइस रेंज पे भी मिल जाएंगे, बट iOS में इतने सारे ऑप्शंस आपको नहीं मिलेंगे। दूसरा एंड्रॉइड की खास बात है कि अगर आप अपने हिसाब से कस्टमाइज करके अपने हिसाब से उसमें फ्लेक्सिबिलिटी चाहते हैं तो आपके लिए एंड्रॉयड बेस्ट है, बट जो iOS उसमें आप अपने हिसाब से मॉडिफिकेशन कस्टमाइज वगैरह नहीं कर सकते, क्योंकि वो एक सिक्योर ऑपरेटिंग सिस्टम है और स्टेबल ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो अगर आप सिक्योरिटी वगैरह चाहते हैं, स्टेबल ऑपरेटिंग सिस्टम चाहते हैं, तो आप iOS की तरफ जा सकते हैं। दूसरा iOS का जो बेनिफिट है वो इसमें कम से कम हमें ब्लॉटवेयर देखने को मिलते हैं, कम से कम एडवेयर देखने को मिलते हैं। ब्लॉटवेयर मतलब जब हम नया फ़ोन लाते हैं तो आपने देखा होगा कई सारे प्री इंस्टॉल एप्लीकेशन, प्री इंस्टॉल गेम्स हमें देखने को मिलते हैं। लाइक आपको फेसबुक पहले से मिल जाएगा, व्हाट्सएप हो गया, कुछ गेम्स हो गए,
तो ये सारे वो फालतू के एप्लीकेशन गेम्स वगैरह होते हैं वो आईफोन में कम से कम मिलते हैं, अदरवाइज मिलते ही नहीं है। बट अगर हम कॉस्ट की बात करें तो एंड्रॉयड हमें काफ़ी कम प्राइस रेंज से स्टार्टिंग हो जाती है, बट iOS के लिए हमें ज़्यादा पे करना पड़ता है क्योंकि वो एक सिक्योर भी, दूसरे उसकी जो ब्रांड वैल्यू वो काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए वो काफ़ी हाई रेट पर भी वो बेचते हैं। तो इसलिए अगर आपका बजट कम है और एक अच्छा फ़ोन चाहते हैं तो आप एंड्रॉयड की तरफ जा सकते हैं। बट अगर आपका बजट काफ़ी अच्छा खासा है और आपको एक सिक्योर स्टेबल ऑपरेटिंग सिस्टम वाला स्मार्टफोन चाहिए तो आप iOS की तरफ जा सकते हैं। तो ये थे तीन मेन की फैक्टर जिस पे हमारे स्मार्टफोन की परफॉर्मेंस डिपेंड होती है। पहला होता है हमारा प्रोसेसर, दूसरा होता है हमारा रैम, तीसरा होता है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। तो सबसे पहले आपको एक प्रोसेसर अच्छा लेना है जो कि लेटेस्ट हो, प्लस नंबर ऑफ कोर्स उसमें ज़्यादा हो एंड उसकी क्लॉक स्पीड भी हाई हो। रैम की बात करें तो वो आपको अपने यूजेस के हिसाब से लेनी है, आपका पर्पज़ क्या है, किस पर्पज़ के लिए आप स्मार्टफोन ले रहे हैं उस हिसाब से आप रैम चूज कर सकते हैं। थर्ड है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम आपको चूज करना है आपके बजट के हिसाब से। अगर आपका बजट ठीक ठाक है, अच्छा खासा है, तो आप iOS की तरफ जा सकते हैं, नहीं तो आप एंड्रॉयड ले सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं डिस्प्ले के बारे में। डिस्प्ले काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे स्मार्टफोन में क्योंकि हमारा पूरा टाइम डिस्प्ले पे ही जाता है स्मार्टफोन यूज करते टाइम पे, चाहे वो हम गेम्स खेल रहे हों, चाहे आप वीडियोज़ देख रहे हों या फिर कुछ काम कर रहे हों, सारा काम हमें स्क्रीन पे ही करना होता है। तो डिस्प्ले हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इसलिए आपको जो डिस्प्ले है वो भी काफ़ी केयरफुली चूज करना है। सबसे पहली चीज़ आपको जो डिस्प्ले में देखनी है वो देखनी है स्क्रीन साइज। ये आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं कि आप किस स्क्रीन साइज में कंफर्टेबल हो और आसानी से उसको यूज कर पाओगे। लेकिन अगर हम इसके आइडियल नीड्स की बात करें कि कौन सा डिस्प्ले आपको किस पर्पज़ के लिए लेना चाहिए, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। तो अगर आप एक ऐसा स्मार्टफोन चाहते हैं जो कि इजी टू कैरी हो, आप आसानी से ग्रिप कर सके, आसानी से उसे कहीं ले जा सके, आपको ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो, तो आप ऐसे में 5.5 से 6 इंच वाले स्क्रीन साइज को स्मार्टफोन को कंसीडर कर सकते हैं। बट इसमें आपको प्रॉब्लम क्या आएगी ना, अगर आप गेम्स वगैरह खेलेंगे या फिर वीडियोस वगैरह देखेंगे तो उसमें आपको अच्छा एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा। तो अगर आप गेम्स वगैरह नहीं खेलते हैं ज़्यादा, तो ऐसे में आप 5.5 से 6 इंच वाले में जा सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि अगर आप अपना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्मार्टफोन पे स्पेंड करते हैं लाइक ब्राउजिंग में, वीडियोस देखने में, गेम्स खेलने में, तो ऐसे में आप 6 इंच से 6.5 इंच वाला स्मार्टफोन चूज कर सकते हैं। और आज के टाइम पे ये काफ़ी पॉपुलर साइज है, मोस्टली लोग इसी साइज में फ़ोन को कंसिडर करते हैं क्योंकि जो स्क्रीन साइज है वो मीडियम साइज होता है, ना ज़्यादा बड़ा होता है ना छोटा होता है। तो ऐसे में आप इसको कैरी भी कर सकते हैं ले जाके, आसानी से ब्राउजिंग भी कर सकते हैं, गेम्स भी खेल सकते हैं, एंटरटेनमेंट वीडियोस वगैरह भी आसानी से देख सकते हैं HD में। नेक्स्ट बात करते हैं हम 6.5 इंच एंड उससे ऊपर स्क्रीन साइज के बारे में। अगर आप एक गेमिंग एडिक्ट हैं या फिर काफ़ी ज़्यादा वीडियोज़ वगैरह देखते हैं, स्ट्रीमिंग वगैरह करते हैं, एडिटिंग वगैरह करते हैं, तो ऐसे में आप 6.5 इंच और उससे ऊपर जा सकते हैं। बट अगर आप एक नॉर्मल यूजर हैं तो आपको 6.5 इंच से ऊपर जाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से आप अपने स्क्रीन का साइज चूज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। नेक्स्ट आपको देखना है कि हमारी जो डिस्प्ले है वो किस टाइप की है, LCD है या फिर AMOLED है, सुपर AMOLED है। अगर हम बात करें 10,000 के समथिंग और 10,000 से नीचे वाले स्मार्टफोन में, तो उसमें आपको LCD डिस्प्ले देखने को मिलती है। बट अगर आप उससे ऊपर जाते हैं 15,000, 20,000, 25,000, 30,000, तो ऐसे में आपको AMOLED डिस्प्ले देखने को मिलती है। AMOLED का सबसे अच्छा फ़ायदा है कि आप सनलाइट में भी आसानी से अपने फ़ोन को यूज कर सकते हैं। जनरली LCD डिस्प्ले में क्या होता है ना, अगर हम सनलाइट में अपने फ़ोन को यूज करें तो उसमें हमें कुछ दिखाई नहीं देता। तो इसलिए आपको AMOLED डिस्प्ले वाला लेना चाहिए अगर आपका बजट ठीक ठाक है। अगर आप 15,000 से 20,000 वाले में कैटेगरी में ले रहे हैं तो आपको AMOLED या फिर सुपर AMOLED की तरफ जाना चाहिए। अगर आपको 2-3 हज़ार का डिफरेंस मिल रहा है LCD और AMOLED में, तो आप AMOLED की तरफ जाइए अगर आप 2-3 हज़ार ज़्यादा स्पेंड कर सकते हैं तो। बट AMOLED बेस्ट होता है LCD के कंपैरिजन में। नेक्स्ट आपको चेक करना है कि आपका जो डिस्प्ले है उसका रिफ्रेश रेट क्या है, 90 हर्ट्ज़ है, 120 हर्ट्ज़ है। जितना ज़्यादा रिफ्रेश रेट होगा उसको हम उतना ही स्मूथली यूज कर पाएंगे, चाहे हम गेमिंग की बात करें या फिर नॉर्मली आप ब्राउजिंग कर रहे हैं उसकी बात करें। तो इसलिए आपको ज़्यादा रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले चूज करना है, जिसका रिफ्रेश रेट ज़्यादा हो उसको कंसिडर करें। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्क्रीन प्रोटेक्शन के बारे में। जब भी आप डिस्प्ले की बात करते हैं तो उसमें आप देखें कि हमें स्क्रीन प्रोटेक्शन के लिए क्या दिया जा रहा है। जनरली स्मार्टफोन में देखा जाता है कि उसमें गोरिल्ला ग्लास पहले से चढ़ा हुआ आता है, तो आपको ये आंसर करना है कि हमारे स्मार्टफोन ले रहे हैं उसमें कुछ हमें प्रोटेक्शन के लिए ग्लास वगैरह मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना है आपको डिस्प्ले चूज करते टाइम पे। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं कैमरा के बारे में। जब भी हम कैमरा की बात करते हैं तो सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं कि उसका मेगापिक्सल है वो कितना है। बट ये गलत है। कभी कभी क्या होता है ना, हम ज़्यादा मेगापिक्सल देख के स्मार्टफोन का परचेज कर लेते हैं, बट एक्चुअल में जब पिक क्लिक करते हैं तो वो मेगापिक्सल के कंपेरिजन में काफ़ी ज़्यादा बेकार आ रही होती है। इसलिए आपको डायरेक्टली मेगापिक्सल देख के कभी भी स्मार्टफोन परचेज नहीं करना है, क्योंकि किसी भी स्मार्टफोन का कैमरा कितना अच्छा है ये डिपेंड करता है उसके अपर्चर पे, उसके लेंस पे, उसके पिक्सल साइज पे। तो इन सारी चीज़ों को हमें कंसिडर करना है, इन सारी चीज़ों को देखना है कैमरा को परचेज करते टाइम पे।
डायरेक्टली हम मेगापिक्सल देख के डिसीजन नहीं ले सकते कि कौन सा कैमरा अच्छा है कौन सा कैमरा बेकार है, क्योंकि मैंने कई ऐसे स्मार्टफोन देखे जिनके मेगापिक्सल काफ़ी ज़्यादा होते हैं बट उनकी जो पिक्चर क्वालिटी होती है वो काफ़ी बेकार होती है। एंड कुछ ऐसे भी स्मार्टफोन देखे जिनका मेगापिक्सल कम है बट पिक्चर क्वालिटी काफ़ी अच्छी खासी है। तो ये चीज़ आपको देखनी है, टेस्टिंग करनी है आपको बेसिकली कि किस स्मार्टफोन का कैमरा है वो अच्छा है और किसका बेकार है, क्योंकि कैमरे में कई सारी चीज़ें मैटर करती है, मेगापिक्सल हो गया, अपर्चर हो गया, पिक्सल साइज हो गया। तो इन सारी चीज़ों पे आपको थोड़ा बहुत रिसर्च करनी है कि अच्छे कैमरे में क्या काम होता है क्या ज़्यादा होता है, उसके बाद ही आपको डिसीजन लेना है कि कौन सा कैमरा बेटर है। अगर हम सेल्फी कैमरे की बात करें तो इसमें जितना कम अपर्चर होगा उतना बेटर हमारा स्मार्टफोन का कैमरा होगा और इससे हम आसानी से लो लाइट में भी अच्छी सेल्फी ले पाएंगे। रियर कैमरे की बात करें तो इसमें आपको सबसे पहले मेन लेंस देखना होता है कि कौन सी कंपनी का कौन सा लेंस इसमें यूज किया गया है, उसके बाद आपको अपर्चर देखना है एंड देन पिक्सल साइज देखना है, पिक्सल साइज पे भी काफ़ी चीज़ें मैटर करती हैं। उसके बाद हमें रेजोल्यूशन देखना है कि इस स्मार्टफोन के कैमरे से हम किस रेजोल्यूशन में वीडियो फोटो वगैरह शूट कर सकते हैं, जितना ज़्यादा रेजोल्यूशन हो उतना ही हमारे लिए बेटर हो। नेक्स्ट आपको देखना है मोड्स एंड AI के बारे में, कई सारे स्मार्टफोन में अलग अलग मोड्स आते हैं तो वो सारे मोड्स आपको देखने हैं, अलग अलग सेटिंग्स आती हैं उसके हिसाब से आप अच्छी फोटो क्लिक कर सकते हैं। AI आता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो उसके हिसाब से आपकी जो पिक्चर क्वालिटी है वो और एनहेंस हो जाती है। तो इन सारी चीज़ों पर आपको रिसर्च जरूर करना है अगर आप एक अच्छा कैमरा चाहते हैं स्मार्टफोन में। तो अब बात करते हैं स्टोरेज के बारे में। स्टोरेज आज के टाइम पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम बन चुकी है, जितनी ज़्यादा स्टोरेज है उतनी हमारे लिए कम पड़ जाती है। तो ऐसे में आपको देखना है कि आपका स्टोरेज का यूज कितना है, कितना ज़्यादा स्टोरेज आपको चाहिए, उस हिसाब से आप स्टोरेज डिसाइड कर सकते हैं। क्योंकि आज के टाइम पर डिफरेंट डिफरेंट स्टोरेज में स्मार्टफोन आ रहे हैं, लाइक 16 GB, 32, 64, 128, 256। तो अपने यूजेज और बजट के हिसाब से स्टोरेज को चूज कर सकते हैं, कितने की आपको रिक्वायरमेंट है, कितने में आपका काम चल जाएगा। तो ये हो गई मेन चीज़ें जो कि आपको स्मार्टफोन में देखनी है, परफॉर्मेंस, डिस्प्ले, कैमरा, स्टोरेज। अब बात करते हैं कुछ और चीज़ों के बारे में जिन पे भी आपको ध्यान देना है। पहला हो गया हमारा स्पीकर। स्पीकर आपको देखना है कि आपके जो स्मार्टफोन है उसमें आपको किस टाइप का स्पीकर मिल रहा है। इसमें बेसिकली मोनो और स्टीरियो टू टाइप्स के स्पीकर हमें देखने को मिलते हैं। अगर आपको स्टीरियो स्पीकर मिल रहा है तो अच्छी बात है, आप स्टीरियो को चूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आपको देखना है कि आपके स्मार्टफोन में हेडफोन जैक दिया जा रहा है या नहीं दिया जा रहा है। अगर आप ईयरफोन यूज करते हैं, हेडफोन जैक की आपको रिक्वायरमेंट होती है, तो ऐसे में आपको देखना चाहिए जिसमें आपको हेडफोन जैक मिले वही फ़ोन आपको लेना चाहिए। अगर आपका काम चल जाएगा बिना हेडफोन जैक के तो आप बिना हेडफोन जैक वाला ले सकते हैं। उसके बाद आपको देखना है कि जो भी स्मार्टफोन आप ले रहे हैं वो जिस ब्रांड का है उसकी ब्रांड वैल्यू मार्केट में कितनी है, क्योंकि ये भी काफ़ी मैटर करता है। जितनी अच्छी ब्रांड होगी वो अच्छे से अच्छा आपको स्मार्टफोन देगी, क्योंकि उसकी ब्रांड का नेम बना हुआ है मार्केट में। अगर वो बेकार फ़ोन देगी तो उसकी ब्रांड का नेम है वो ख़राब होगा। तो ऐसे में एक रेप्यूटेटिव ब्रांड का स्मार्टफोन आपको चूज करना चाहिए। नेक्स्ट फाइनल चीज़ जिस पे आपको ध्यान देना है वो इसकी आफ्टर सेल सर्विस। सर्विस काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। मान लो अगर आपने ऐसा फ़ोन ले लिया जिसका सर्विस सेंटर आपके नियर बाई है ही नहीं, तो ऐसे में आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होगी आपके फ़ोन को ठीक कराने, आपको दूसरे डिस्ट्रिक्ट जाना पड़ेगा। तो आपको ऐसी ब्रांड का स्मार्टफोन लेना है जिसकी सर्विस काफ़ी अच्छी हो, हर डिस्ट्रिक्ट में उसका जो सर्विस सेंटर वो आपको आसानी से मिल जाए, कहीं नहीं तो जहाँ पे आप रह रहे हैं वहाँ पे तो उसका सर्विस सेंटर होना चाहिए, जिससे क्या कोई प्रॉब्लम आती है तो आप आसानी से वहाँ जाके तुरंत रिजॉल्व करा सकते। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो इसी तरह की और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए। और अगर आपने इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।